एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की सिंध की बेहतरी के लिए एक बार फिर एक हो गए हैं। अब ये कहने भी ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, चले सियासत में फिर कुछ भी चलता है। तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी और अपोजिशन हाथ थामने का सिला मिलना शुरू हुआ है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर और सिंध का गवर्नर अब एमक्यूएम से होगा और वजीर आजम ने इसके लिए नसरीन जलील साहिबा का नाम सदर पाकिस्तान को भेज भी दिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की दोस्ती पर अवाम क्या राय रखते हैं, जिनके नाम पर दोस्ती हुई है, सुन लीजिए। फिर ख्वाजा इजहार हसन साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। उनको अपने साथ मिला है तो किसी मकसद के लिए, मतलब के लिए मिला है, वरना तो इससे पहले तो आप तो देख रहे थे कितने आपस में ये लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। पीटीआई को छोड़ के अच्छा किया मेरे तो ख्याल से, ये सही है, उससे तो बेहतर है ना पीपल पार्टी से मिल जाना, अच्छी बात है। जब इन्होंने पीटीआई के साथ हाथ पकड़ लिए थे तो कम अज़ कम ईमानदारी से वफा तो करते, बेवफाई करके मुल्क के साथ पार्टी के साथ गद्दारी है। ये दो सीटों के लिए अपना ईमान बेच दिया। नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा ना, पीपल्स पार्टी नज़र आएगी ना एमक्यूएम नज़र आएगी कराची के अंदर। वोट ये हमसे लेते हैं और जाके तुम शेर के पास जा रहे हो, तीर के पास जा रहे हो, तो भाई हम फिर डायरेक्ट शेर या तीर को ही वोट क्यों ना दें, जब तुमने बेचने हैं जेबों में पैसे तुम्हारे जा रहा है, गरीब आदमी झगड़ा खा रहा है। इजहार भाई, गवर्नरशिप के लिए तो नसरीन जलील साहिबा का नाम दे दिया गया है सामने, एडमिनिस्ट्रेटरशिप के लिए किसका नाम दे रहे हैं, कौन है फेवरेट एमक्यूएम से? एडमिनिस्ट्रेटर के लिए थोड़ा सा हमारी तरफ से ताखीर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 2013 का जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में थोड़ा सा उसकी वाज़े अमेंडमेंट हो जाए, क्योंकि अगर 2013 में एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएं या मेयर लग जाएं तो बात तो वही होगी। लेकिन बहालत है मजबूरी, बहरहाल कोई ना कोई नाम देना है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि पीपल्स पार्टी इस मामले में ज़रा जल्दबाजी करे, मुसव्वदा हमने उन्हें दे दिया है। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि गवर्नरशिप भी आपके पास आ गई, एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी आपके पास आ गई, यहाँ पर 3-4-5 वजारतें भी आप लोगों को मिल जाएंगी सिंध हुकूमत में, जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो कई सालों से कई अरसे से एमक्यूएम पाकिस्तान से उम्मीदें रखते हैं, उनके लिए क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, 18 नुकाती जो विफाक में हैं वो भी उसके ऊपर भी अमल दरामद करेंगे, जैसे कि 13 नुकाती पीटीआई के साथ था, बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं हो सका। इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ भी 24-25 नुकाती है, और इस बार आपको बड़ी जितने नुकात आप पढ़ेंगे आपको ये लगेगा कि ये हमारे वही मसाइल हैं जो 30 साल से थे, जो मंजरआम पे नहीं आए और पाकिस्तान की लीडरशिप ने कभी तस्लीम नहीं किए उस पर। बहरहाल कौमी तरीके से सब ने रजामंदी इत्तेफाक राय की और साइन किया। तो हम चाहते हैं कि रोज़गार का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, जो कराची के सबसे बड़े दो मसाइल हैं, उनमें जल्द अज जल्द पेशरफ्त हो, और वो मशरूत है लोकल गवर्नमेंट से, वो मशरूत है सुप्रीम कोर्ट। भाई दफातर खुल जाएंगे आपके, मौजूदा वजीर आजम इतने पावरफुल हैं सर? हमने तो दिलों में दफातर बना लिए हैं, इंशाल्लाह रमजान गुजरने के बाद हमने 10-15 दफातर खुलने नए दफातर लेंगे इंशाल्लाह, 10-15 दिन में हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ऑब्वियसली अभी अगर आप थोड़े से लेट हुए हैं, कराची वाले जो बात कर रहे थे उनकी मैंने गुफ्तगू सुनवाई है सर, ये वही लोग हैं ना जिनको आप तबाही का जिम्मेदार कराची के समझते हैं, उन्हीं के साथ ही दोस्ती हो गई है, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उन्हीं के साथ ही कराची की बेहतरी होगी, आप नहीं समझते एमक्यूएम ने अपने ही वोटर्स को मायूस किया है सर? आपका मुझे एक प्रोग्राम याद है और आपने इससे ज्यादा सख्त लहजे में हमसे कहा था कि ख्वाजा साहब, जिन लोगों ने आपकी नशिस्तें छीनी उन्हीं के साथ आप विफाक में बैठ गए। तो मसला ये कि हमारी सूरत में तो सिक्के के दोनों तरफ एक ही निशान होता है, कोई भी उछाल लें हमारी तो शामत ही आती है। तो पीटीआई के साथ हम हुकूमत में थे, फिर हमें आखिर 3 साल अब देखे ना, 3 साल में कहा महंगाई बढ़ रही है, आप हट जाएंगे तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी और ऐसा लग रहा है पेट्रोल 100 रुपये पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जो टाइम हमने गुजारा नहीं किया था, इसे गुजारा अलहदा हुए, ईमानदारी से बताकर सबसे आखिर में हम अलहदा हुए, और हमारे पास हालत क्या थी।